ओम शांति। आप संपूर्ण स्वस्थ रहे, मस्त रहे और परमात्मा के आशीर्वाद का हाथ आपके मस्तक पर रहे। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ हमारे में से किसी न किसी को कोई न कोई शारीरिक व्याधि जरूर रहती है और ये शारीरिक व्याधि चाहे ब्लड प्रेशर, शुगर, पेट की बीमारी, दिल की बीमारी, घुटनों की बीमारी, कोई ना कोई बीमारी रहती है। अभी उस बीमारी को आप मन में कितना सीरियसली लेते हो, इस आधार से बीमारी बढ़ती है या फिर वो कम होती है। कई लोगों को आदत है, वो उस बीमारी को बार बार मन में, उस बीमारी का बार बार मन में चिंतन करेंगे, चिंता करेंगे। मुझे ब्लड प्रेशर है, मुझे शुगर है, मुझे एसिडिटी है, अपने मन को बार बार कहेंगे और बाहर में बार बार वर्णन करेंगे और उनके साथ मुझे एसिडिटी है, मुझे ये खाना सूट नहीं होता, मुझे ये भोजन सूट नहीं होता है। तो क्या कर रहे हैं? एक तरफ चिंता, दूसरी तरफ वर्णन। चिंता करने से मिलेगी बीमारी और चिंतन करने से मिलेंगे बांके बिहारे। तो जितनी हम ज्यादा ज्यादा चिंता चिंता करते जाते, उतनी हमारी बीमारी और ज्यादा बढ़ती जाती है। तो बीमार रहना है या बीमारी से बाहर आना है, अपने आप को स्वस्थ बनाना है, क्योंकि मन और शरीर का बार बार 24 आवर्स उनका संवाद है। अगर मन को मैं बार बार कह रही हूँ मुझे शुगर है, मुझे बीपी है, मेरे घुटने दर्द कर रहे हैं, मुझे एनर्जेटिक फील नहीं हो रहा है, मैं बहुत थका हुआ हूँ, मुझे नींद नहीं आती है, बार बार वर्णन करते तो शरीर एग्जैक्टली वैसा ही काम करता है। इसलिए चिंता करने के बजाय शुभ चिंतन करो, स्वास्थ्य के विचार करो, कल्याण के विचार करो। और वो विचार हमें कैसे करने? बहुत आत्मविश्वास के साथ, निश्चय के साथ, शक्तिशाली माइंडसेट के साथ। कौन से चिंतन करें, कौन सा शुभ चिंतन? रोज रात को सोने के पहले और दिन में भी कई बार मन में ये चिंतन करें, मेरा ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, मेरी शुगर लेवल नॉर्मल है, मेरे घुटने ठीक है, स्वस्थ है, मेरा शरीर एनर्जेटिक है, मैं संपूर्ण स्वस्थ हूँ, मैं संपूर्ण निरोगी हूँ, मेरे शरीर का रोम रोम ऊर्जा से भरपूर है। जब हम बार बार ये विचार अपने आप को देते जाएंगे, करते जाएंगे रोज रेगुलर बेसिस पर, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा हमें दिखाई देगा। हाँ, उसके साथ साथ और एक स्वमान की भी विशेष रूप से प्रैक्टिस करें, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं और मुझसे शक्तियों की ऊर्जा पूरे शरीर में फैल रही है और पूरा शरीर शक्तिशाली बन गया है, निरोगी बन गया है, मैं शक्तिशाली हूं, ऊर्जा से भरपूर हूं। तो एक स्वस्थ विचार बार बार रिपीट करो तो दुआ का और दवा का काम करेगा। तो क्या करना है? चिंता या चिंतन? ओम शांति।